जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग भर्ती 2024 के बारे में, जो कि आपकी यहां पर जो आपका उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यालय का एक ऑफिशियल पोर्टल है उसके ऊपर जारी की गई है। बहुत सारे कैंडिडेट को ये पोर्टल फर्जी लगता है और यहाँ पर जो वैकेंसीज आती है वो फेक लगती है, पर मैं आपको बता दूँ कि वो पोर्टल है जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया चलाया जाता है। और यहां पर उन कंपनीज को अथॉरिटी दी जाती है या फिर उन डिपार्टमेंट को अथॉरिटी दी जाती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर अपनी कंपनी के अंदर नियुक्ति करना चाहते हैं। तो यहां पर समय समय पर वैकेंसीज निकलती रहती है। अभी आप यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में प्राइवेट जॉब्स गवर्नमेंट जॉब सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि करंट में यहां पर 3 वैकेंसी एक्टिव है जिसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 22 मई 2024 है। और आप यहां पर देख भी सकते हैं कि अभी तक कितने फॉर्म उस वैकेंसी के लिए भरे जा चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हैं लोटस कंस्ट्रक्शंस के अंदर लोटस कंस्ट्रक्शंस के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली है, जिसकी अगर आप यहां पर अप्लाई करते हैं और आपकी नियुक्ति हो जाती है तो आपका जो विभाग रहेगा वो आपका उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग रहेगा, जिसको आपका इलेक्ट्रोल विभाग भी कहते हैं। एंड यहां पर गाइज इसमें लोकेशन आपकी लखनऊ रहेगी। और फिर आप नीचे देख सकते हैं इसमें आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, तो आपकी करंट में वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। आपको इनके डिटेल में जानकारी जाननी है तो आप रिक्त विवरण के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि टोटल कितनी वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए यहां पर आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो 12वीं मांगी है। एंड अगर आपके पास डिग्री होगी आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी भी मांगा, यानी कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। सैलरी आपको 10,001 से लेकर के 20,000 रुपए दी जाएगी और इन हैंड सैलरी आपकी 15,800 रहेगी। एज लिमिट 21 से 50 साल के बीच रखी गई है। एंड यहां पर आप देख सकते हैं पूरी जानकारी आपको दी गई है। अगर आपको सेकंड वैकेंसी की जो डिटेल है उसको जानना है तो आप सेम वे में यहां पर जो आपकी सेकंड वैकेंसी उसके रिक्त विवरण के ऊपर क्लिक करेंगे और उसकी जानकारी भी आप यहां पर सेम तरीके से जान लेंगे। अगर आपको यहां पर इसमें इंटरेस्ट है और आप एलिजिबल है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए गाइज आपको यहां पर जो आवेदन कर रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करके इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाना होगा। अगर आपका अकाउंट अभी तक नहीं बना हुआ है तो आप बना लीजिए। मैंने इसको लेकर एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको वॉच करके इसके ऊपर रोशन कर लीजिएगा और फिर आप एक बार रोशन करने के बाद में चाहे जो भी वैकेंसी यहां पर आए उसमें अप्लाई कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद में। सो गाइज अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो के कमेंट में बताइए एंड अगर आपको कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।